हम सब चाहते हैं कि लोग हमारे प्रति समर्पित रहें और अच्छा व्यवहार करें, लेकिन क्या आप दूसरों के प्रति समर्पित हो और अच्छा व्यवहार करते हो? दोस्तों, यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसका पति फौज में नौकरी करता था। युद्ध खत्म होने के बाद जब वह घर लौटा तो उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर उस महिला को बहुत ही दुख हुआ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे पता चला कि एक सिद्ध पुरुष महात्मा, जिन्होंने कई वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में घोर तपस्या की है, आजकल पास के गाँव में ही ठहरे हैं और लोगों के दुखों का निवारण कर रहे हैं। वह भागते हुए महात्मा के पास पहुंची और बोली, बाबा, जब से मेरे पति युद्ध से वापस आए हैं मुझसे प्रेम से बात तक नहीं करते। सन्यासी बोले, बेटा, युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है। महात्मा, आप मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दें जो लोगों के अंदर प्रेम भावना उत्पन्न करती हो, मैं तुम्हें ये जड़ी बूटी अवश्य दे देता, लेकिन इसमें कुछ रुकावट है। उसमें एक चीज़ और मिलानी पड़ेगी और वह चीज़ इस समय मेरे पास नहीं है। बाबा, मुझे तुरंत बताएं, मैं वह चीज़ आपको किसी भी कीमत पर ला कर दूँगी। सन्यासी बाबा ने कहा कि यह असंभव है, उसे कोई भी हासिल नहीं कर सकता। महिला जिद पे अड़ जाती है, मजबूरन सन्यासी बाबा को उस चीज़ के बारे में बताना ही पड़ता है। तो सुनो, वह खास चीज़ है, शेर की मूंछ का एक बाल। यह सुनते ही महिला को पसीना आ जाता है। बावजूद इसके वह ठान लेती है कि मुझे किसी भी कीमत पर दवा के लिए मूंछ का एक बाल हासिल करना ही है। इस विश्वास के साथ कि जल्दी वह शेर की मूंछ का बाल हासिल करेगी, घर वापस आ जाती है। अगले दिन सुबह तड़के ही शेर की तलाश में निकल पड़ती है। जंगल के बीच झरने के पास वह शेर बैठा दिखाई देता है। वह उसके करीब जाने की कोशिश करती है, तब तक शेर की दहाड़ से उसकी चीख निकल जाती है। वह डर कर भाग जाती है। अगले दिन फिर आशा व विश्वास के साथ एक बार फिर जंगल जाती है। शेर फिर दहाड़ता है और वापस लौट आती है। अब वह रोज जंगल जाने लगती है, शेर को देखती है, शेर को भी उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। धीरे धीरे शेर को भी इसकी आदत पड़ जाती है, वह दहाड़ना बंद कर देता है। अब वह उसके लिए और नज़दीक जाती है, अब तो शेर के लिए गोश्त भी ले जाना शुरू कर देती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। शेर बड़े ही चाव से गोश्त खाता है और वह उसकी पीठ थपथपाती है। अब वो दिन आ ही गया जिसका उस महिला को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। उस महिला ने शेर की मूंछ का एक बाल तोड़ा और भागते हुए महात्मा जी के पास पहुंची। महात्मा जी, मैंने कर दिखाया। महात्मा जी ने शेर की मूंछ का बाल हाथ में लिया और उसे आग में फेंक दिया। महिला आग बबूला हो जाती है। यह आपने क्या किया? मेरी सारी मेहनत पर पानी क्यों फेर दिया? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने प्रेम व समर्पण के बल पर एक हिंसक पशु को भी अपने वश में कर लिया। जाओ, वही समर्पण, वही प्रेम अपने पति के प्रति दिखाओ, वह भी तुमसे अगाध प्रेम करने लगेगा। अब महिला को महात्मा की बात समझ में आ चुकी थी। उसने अपने प्रेम व समर्पण के बल पर अपने पति का दिल जीत लिया और एक बार फिर उजड़े चमन में खुशियां लौट आई थीं। दोस्तों, किसी को वश में करने के लिए सिर्फ प्यार, त्याग व समर्पण की जरूरत होती है। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो टूट जाए वह तंत्र नहीं है, प्रेम, त्याग व समर्पण के अलावा वश में करने का कोई मंत्र नहीं है। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।